मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के वक्त आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम के साथ मैं बधाई देता हूँ। फिर एक सुबह हम देख पा रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह है। आज के दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ मिलकर सफ़र करने का, हमारे साथ यात्रा करने के लिए, और हम भी उसके साथ सफ़र करने के लिए, यात्रा करने के लिए उसे समझ कर, परमेश्वर ने हमें जो सिखाने वाला पाठ है वह है मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 29वां वचन। क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब वह घर लूट लेगा। बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर एक स्वर्गीय सामर्थ है। उस सामर्थ के सामने कोई भी सामर्थ खड़ा नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह शत्रु का कुछ भी नहीं है। यहां पर एक नाम उसे दिया गया, वह है बलवंत। इस दुनिया में वो बलवंत है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को बांध कर रखता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को वह बांध कर रखा हुआ है। एक घर को ले ले तो दो लोग यीशु से प्रेम करते हैं, एक बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता रहता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, किसी न किसी रीति से जो है वह बहुत दूर है परमेश्वर से। तो उस बंधनों को तोड़ डालने का एक सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप उसे जान लीजिए। यहां पर क्या कहा गया है, बलवंत को पहले न बांध ले तो तब वह घर लूट लेगा। हमारी शांति, हमारा आरोग्य, हमारी संतोष, जितनी चीजों को उसने चुराया है ना, जो जो चीजें उसने चुराई हुई है वो सब अपना बना ले, उसे बांधे और ऐसी प्रार्थना करें। इसके लिए बहुत बड़ा सामर्थ की जरूरत है मेरे प्रिय लोगों। तो आपके अंदर जो आत्मिक सामर्थ है, इस सुबह ही उसे भड़काइए, प्रार्थना कीजिए, और पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर कर जब तुम ऐसा करोगे तो आत्माओं की व्याख्या करने वाला वर आपके अंदर क्रिया करेगा। तो जो जो आत्माएं आपके विरोध में काम करती हैं उसे जानकर परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगा। आप खुद प्रार्थना करेंगे, आप डांट कर उसे बांध कर जो है प्रार्थना करेंगे, वो आपके घर से निकलेगा। अभी प्रार्थना करते हैं, यह आशीषें आपकी बनने वाली हैं। प्रार्थना करते हैं, हमारे प्यारे परमेश्वर, इस सुबह के वक्त तेरे बच्चों को जो वचन तूने दिया है, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैंने कहा है पिता, हे परमेश्वर, तेरे बच्चे शत्रु के सभी क्रियाओं को बिल्कुल डांट कर, उसे बांध कर, प्रार्थना करके एक नए अभिषेक को पाएं। आज ही तेरे बच्चों को तू देने वाला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। जो जो यह अनुग्रह मुझे चाहिए, जो ऐसा कहते हैं, अभी तुरंत उन्हें उस अनुग्रह से भरने वाला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यह पूरा दिन जो है सफलता का दिन, एक नए सामर्थ को पाने वाला दिन बनकर रहे। कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, तेरे ही नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में सदा आनंदित रही है। यह छोटा सा संदेश, इस छोटे से संदेश को दूसरों को जरूर शेयर करें, ठीक है, वे भी आपकी तरह आशीष पाकर रहे। फिर हम मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।